भारद्वाज जी, साल 2015 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम दिल्ली को लंदन बना देंगे और लोग यहां पर पिकनिक मनाने आएंगे। 15 सितंबर 2022 कहते हैं हम झीलों का शहर बनाने वाले हैं, दिल्ली को झीलों का शहर, और एमसीडी 16 कूड़े के पहाड़ खड़ा करने जा रही है। आज ऑफिसर आते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है और जो ऐसा बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मैं पीछे ले जाती हूं आपको, सर ये लंदन कब बनेगा? यमुना जी तो कह रहे हैं कि भूल जाइए, मेरी इस हालत पर तो आप लंदन नहीं बनने वाले। देखिए जीनत जी, अरविंद जी ने जो कहा निश्चित तौर पर दिल्ली लंदन से भी खूबसूरत होगी, दिल्ली पेरिस से भी खूबसूरत होगी, दिल्ली न्यूयॉर्क से भी अच्छी बनेगी। दिल्ली की डेवलपमेंट में, दिल्ली के विकास में अगर कोई सबसे बड़ी अड़चन है, सबसे बड़ा बैरियर है, तो उसका नाम दिल्ली नगर निगम है जो भारतीय जनता पार्टी शासित है। जैसे ही दिल्ली नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी का शासन खत्म होगा, दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी, दिल्ली साफ सुथरी बनेगी, दिल्ली से कूड़े के पहाड़ भी खत्म होंगे, दिल्ली के गली गली से कूड़ा भी उठाया जाएगा, दिल्ली की नालियों से भी कूड़ा निकाला जाएगा, और दिल्ली अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू होने के बाद एमसीडी में दिल्ली बहुत साफ सुथरी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। एक ही बैरियर है क्योंकि 15 साल से लगातार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार के 3 बड़े सबूत हैं, भलसवा लैंडफिल साइट, ओखला लैंडफिल साइट, गाजीपुर लैंडफिल साइट, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कल सीएम साहब सर अभी मैं इस साइट पर तो आऊंगी, सुनिए ना, अभी आप यमुना पर रहिए। मैं सर यमुना पर रहिए, यमुना पर रहिए। देखिए जीनत जी, दिल्ली के जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने यमुना क्लिनिक पे चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल पे लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने अस्पताल पे लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक पे लड़ा, और दिल्ली के लोगों से इन्होंने कहा था कि यमुना साफ नहीं, स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, मोहल्ला क्लिनिक बने। दिल्ली के लोग आप ये चाहते हैं कि मैं आपको आपका मैनिफेस्टो बताऊं? जीना जी, आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपके मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि 2025 तक यमुना साफ? सर सुनिए ना, जब बीजेपी की बात होगी, मैं बीजेपी बीजेपी के, सुनिए सुनिए एक सेकंड सर, सुनिए, मैं एक चीज सुन लीजिए, एक मिनट आप सुनाइए, सुनिए, हाँ सुनिए एक सेकंड, सवाल से इधर उधर मत भागिए। अगर मुझे बीजेपी से सवाल पूछना होगा मैं उनसे पूछूंगी उन्होंने किस पर चुनाव लड़ा। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैंने आपके नेता के स्टेटमेंट को कोट किया, आप अपने नेता की बात कीजिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कीजिए। मैं अब बोलूं? प्लीज बोलिए, और आप टॉपिक पर बोलिए, यमुना पर बात कीजिए। इजाजत है? हाँ बिल्कुल इजाजत है, क्यों नहीं इजाजत है। हाँ ठीक है, आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में, जो हमने 2020 में चुनाव लड़ा था, हमने कब तक का दिल्ली के लोगों से समय मांगा? आपने भी बताया, अगर आप रिवाइंड कर लेंगे आपको पता चल जाएगा, 2020 का हम चुनाव लड़े, हमने दिल्ली के लोगों से समय मांगा कि हमें 2025 तक समय दो, 2025 में हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये चीजें हम पूरे करेंगे। 2025 आ गया क्या? आज 2022। सर ये तो आप लोगों ने तारीख बढ़ा दी, 15 में लड़ा था तो भी कहा था, सुनिए ना, 15 में लड़ा तो भी कहा, 20 में लड़ा तो आप 25 की बात करते जब आपसे सवाल होता है। सर इतनी चतुराई ठीक नहीं है ना। आपने, और आरटीआई का डाटा बताती हूँ आपको, आपने कितने करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर फूंक दिए, लेकिन फिर भी आज आपको सिलिकॉन केमिकल डालना पड़ रहा है। क्यों डालना पड़ रहा है सर? ताकि झाग हट जाए। जीना जी, या तो मैंने क्या कहा है, आपके मैं सारे सवाल लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप सुनने को मैं तो तैयार हूँ। आप टॉपिक पर बातें करेंगे तो मैं कैसे पहचान लूं आपकी बात? टॉपिक पे तो हूँ। आपने अपने सवाल में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने 2025 तक के वायदे कर रहे, मैं भी तो कह रहा हूँ हम कब मना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वायदे नहीं करते, गारंटी देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 तक यमुना साफ होगी तो निश्चित तौर पर साफ होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर यमुना में डुबकी लगाऊंगा तो लगाऊंगा। लेकिन आप सवाल दिल्ली को साफ सुथरा करने का, ठीक है आपकी बात आ गई और आपकी बात दिल्ली वाले भी समझ गए। 15 में भी आप यही कह रहे थे, 20 में भी यही कह रहे थे, आपसे 22 में भी सवाल हुआ अभी पिछले दिनों, तो अब आपने 25 की डेडलाइन दे दी। ठीक है सर, ठीक है, नेहा शालिनी दुआ जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, आ गई आपकी बात नेहा शालिनी जी, ठीक है सर, हो गया अभी।